वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद फैंस का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। क्रिकेट प्रेमी अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद उभर नहीं सके हैं। यही कारण है कि टीम इंडिया के क्रिकेट मैच में फैंस की खासा रुचि नजर नहीं आ रही है। फाइनल की रात के बाद से भारतीय टीम की हार के बाद से कोई सबसे ज्यादा दर्द में नजर आया है तो वह टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा थे। उन्हें करोड़ों फैंस ने उस रात रोते हुए देखा। जब टीम इंडिया का कप्तान ही पूरी तरह से टूट जाए तो लाजमी सी बात है कि फैंस का दिल भी टूटा होगा। आज 20 दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी उस हार को भूल नहीं सका है, फिर चाहे वो फैंस हो या खिलाड़ी। ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा के साथ भी हुआ है। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद रोहित शर्मा का पहला बयान सामने आया है जहां उन्होंने कई बातें कही हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि फाइनल के बाद वापसी कैसे करना है, मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया। यह पचाना कठिन था लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उस दिन से आगे बढ़ना कठिन था। रोहित शर्मा की इन बातों से यह तो साफ हो गया है कि वो अभी तक उस रात की हार से बाहर नहीं आ सके हैं। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप सबसे बड़ा था। हमने उस वर्ल्ड कप के लिए इतने सालों तक काम किया है, यह निराशाजनक है। यदि आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जिसका आप सपना देख रहे थे, आप निराश हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने अपने साथ साथ फैंस के दर्द को भी समझा और फैंस के लिए कई बातें कही। रोहित शर्मा ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की क्योंकि हमने सभी 10 मुकाबले जीते। मुझे भारतीय टीम पर बहुत गर्व है क्योंकि हमने जिस तरह से खेला वो वाकई में बेहतरीन था। उस फाइनल के बाद कमबैक करना काफी, इसलिए मैंने फैसला किया कि बाहर जाऊं और अपने दिमाग को इस चीज से बाहर निकालूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं फैंस के लिए महसूस करता हूं, वे भी हमारी तरह वर्ल्ड कप का सपना देख रहे थे। मुझे हर फैन की सराहना करने की जरूरत है जिन्होंने हमारा समर्थन किया। लोगों द्वारा मुझे और टीम को दिया गया प्यार हमें फिर से वापस आने में एक और सबसे बड़ा खिताब जीतने की तलाश शुरू करने में प्रेरणा देता है। रोहित शर्मा ने अंत में कहा कि उन्हें अभी भी सबसे बड़ा खिताब जीतना है। रोहित शर्मा की इस बात से ये तो साफ हो गया है कि वो भारत के लिए अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो क्रिकेट फ्रेंजी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।